Hilton. उसमें आपका खैर मकदम है। टीआरएस एक्टिव टीम की जानिब से टीआरएस पार्टी ऑफिस का इनेखात शाली बंडा न्यू रोड पर अमल में आया। इस मौके पर एक्टिव न्यूज़ चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ अली और टीआरएस कारकुन अब्दुल रहमान की टीआरएस कोऑर्डिनेटर सैयद लायक अली के हाथों गुलपोशी की गई। शाली बंडा के नौजवानों ने टीआरएस पार्टी में शमूरियत सैयद लायक अली की सरपरस्ती में हासिल की। इस इफ्तिताही तकरीब में सैयद रज़ा अली रशीद, तहसीन इमाम, सुनील मौज़म खान, गौसिया खान और दिगर मौजूद थे। सैयद लायक अली ने मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे एक्टिव न्यूज़ सैयद शाह की एक तफसील सी रिपोर्ट। जिंदाबाद साथियों, मेरे शहर हैदराबाद के गोल्डन और गोल्ड न्यू सिटी नहीं है, ओल्ड सिटी, गोल्ड सिटी हो गया है। इस गोल्ड सिटी के पुराने शहर के तमाम नौजवान आज टीआरएस पार्टी का जो इफ्तिदा किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, उन नौजवानों को भी सलाम जिन्होंने इसका एहतमाम किया है। यहाँ पे टीआरएस पार्टी शाली बंडा नई रोड का इनॉग्रेशन हुआ है। एक तारीखी इनॉग्रेशन है। तेलंगाना राष्ट्र जब तक नहीं आया था कोई ऑफिस नहीं थी। तेलंगाना राष्ट्र जब आया तभी भी कोई ऑफिस नहीं थी। हल्के चार मीनार में
टीआरएस पार्टी का ये पहला ऑफिस है जो तारीखी ऑफिस रहेगा। खुले है ऑफिस मगर बंद हो गए। हमारी बहुत सपोर्ट कर रही है, मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया चाहे तो किसी को भी सीएम बना सकती है, किसी को भी पीएम बना सकती है, क्योंकि मीडिया के जरिए ही हमारे काम आवाम तक पहुंच सकते हैं। मीडिया का भी हम शुक्रगुजार है। सलाम अलैकुम।